कटाक्ष मधुर है, आपके नेत्र मधुर हैं, आप जा गुंजा की माला को धारण करे हैं, वह हो मधुराति मधुर है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मधुर नहीं है? या लिए मैं तो कहूं कि आप समस्त मधुर मधुर ही हैं। और कहो तो यो जाए है कि सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर को कहा सुंदर नहीं, सुंदर के लिए तो सब वस्तु सुंदर ही सुंदर है। कोई अलंकार कोई आभूषण काहू की सुंदरता को नहीं बढ़ा में है, जो सुंदर है वाही के ऊपर आए के वह अलंकार स्वयं सुंदर है जाए है। वाकी शोभा को बढ़ाए के लिए कोई अलंकार नहीं है, परंतु वह सुंदर व्यक्ति के ऊपर आए के वह अलंकार सुंदर है जाए है प्रभु। यानी आपकी यह मधुरता को बार बार नमन है, आपने बड़ो ही सुंदर मार्ग सुझायो कि मोसो जीव को संबंध कराओ। लालन या संसार के जितने संबंध हैं उन सब संबंधन को जोड़वे में इतने प्रयास करने पड़े हैं, परंतु आपको सहज संबंध है। आपने कही कि आप जाको हाथ गह के मेरे हाथ में पकड़ाओगे, बस वासो मेरो संबंध है जाएगो और वाकी ऊपर मैं अवश्य ही कृपा करूंगो। धन्य है आप जैसो करुणा वरुणालय और कौन है सके है। जो जीव आपकी ओर आयवे में समर्थ नहीं है, आप स्वयं जाए के वाकी ऊपर कृपा करके वाकू अपनाएवे के लिए तैयार हैं, और अपनाएवे के लिए ही नहीं वाकू गह के वाकी 84 लाख योनिन के चक्र को काट के अपने हृदय सो लगाएवे के लिए तैयार है, तो आप सो बड़ो करुणालय कौन है सके है। हे देव आपकी आज्ञा अनुसार मैं आपके जो बिछुड़े हुए जीव है तिनको संबंध आप सो कराऊंगो, पर आप हो अपने वचन को ध्यान राखियो, अवश्य ही उन जीवन के ऊपर कृपा करियो, उनको अपनो अनुभव जतियो, उनको अपनो बनाए के राखियो। अंतर ध्यान भये हरि राई, आचार्य कहो दमलाए सुनाई, दमला दामोदर कहा तुम कछु सुनियो, जय जय कृपाना सुनियो प्रभु पर मन नहीं गुनियो, तुमने कछु सुनियो, जय जय सुनो तो सब कछु, परंतु कछु समझ में नहीं आई। भली बात है, प्रभु की वार्ता सबकी समझ में ना आवे, और जब तक समझ में ना आवे तब तक समझवे को प्रयास हो ना करनो चाहिए। जय जय वो जब कृपा करें तो अपने ही आप समझ में बैठ जाएगी। जाओ स्नान करके अपरस में मेरे ढिंग आओ, तो आज मैं
तुम्हारो ब्रह्म संबंध कराऊंगा। जो आज्ञा जी जी। तब आचारी कहो हर साई कर स्नान आवो मो पाई। अपरस में दामोदर आयो ब्रह्म संबंध श्री वल्लभ करवायो। ब्रह्म संबंध श्री वल्लभ करवायो। पवित्रा दामोदर दासा गुरुए पहराई सहत हुलासा। या में चौरासी गांठ सुहाई लख चौरासी दे नसाई। देखो अब तुम प्रभु की शरणागत वैष्णव हो। वैष्णव वै इति निश्चयेन, जिनमें अपने हृदय को गलित करके अपने अभिमान को गलित करके झुकवे की नववे की क्षमता आ जाए है वह वैष्णव। जाको विष्णु सो संबंध जुड़ जाए है वह वैष्णव। और जब हमने वैष्णवता को अपनाए लियो तो यदि भलो कार्य कोई है जाए तो वाको अभिमान न करनो, और कोई खोटो कार्य होए तो वाको पश्चाताप अवश्य करनो। कोई दुर्विसंधि जीवन में उपस्थित होए